बनू।
Thank you.
आज मैं आत्मा ये संकल्प लेकर प्यारे बाबा की याद में बैठी हूं कि मुझे सूक्ष्म से सूक्ष्म अपवित्रता को भी समाप्त करना है। मैं संपूर्ण स्वच्छ पवित्र होली हंस आत्मा हूं। पावन बनना और बनाना
यही दुखधाम से सुखधाम में जाने की तैयारी है। हम सभी पवित्र आत्माओं को एकजुट होकर कलयुगी अपवित्रता के गोवर्धन पर्वत को उठाना है। पवित्रता के बिना भारत का हाल बेहाल हो गया है। दुष्कर्मों के कारण भारत का नाम विश्व भर में बदनाम हो रहा है। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चों, परिवार में रहते पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। अपनी प्रवृत्ति को पावन बनाओ। अपने घर बाहर का रचना का संन्यास नहीं करना है। अपने गृहस्थ को ही पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाओ। हम पवित्र होली हंसों को भारत का श्रेष्ठ श्रृंगार करना है। मुझ आत्मा में बाबा शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान और पवित्रता की शक्ति भर रहे हैं। मैं आत्मा बाबा से ज्ञान रत्न लेकर अपना भाग्य बना रही हूं। प्यार एक बहुत बड़ा खजाना है। बाबा के प्यार से ही मैं आत्मा ज्ञान को धारण कर पा रही हूं।
बाबा की शिक्षाएं मुझ आत्मा को श्रेष्ठ बना रही है। ये शिक्षाएं सारे चक्र में मेरे काम आने वाली है। बाबा ने मुझ आत्मा के अवगुण नहीं देखे, मुझे मेरे अवगुण सहित अपना बनाया है। और कमियां मिटाने में मेरी मदद की है। इसलिए बाबा प्यारा लगता है। बाबा ने अपना संग देकर ईश्वरीय संग लगा दिया है। बाबा से मैं आत्मा दिल की बातें कर स्वयं को हल्का अनुभव करती हूं। मैं आत्मा बुद्धि योग से सदा बाबा के संग रहने का प्रयास करती हूं। सबसे बड़ा गुणों का भंडार बाबा ही है। मैं आत्मा गुणमूर्त बनती जा रही हूं। शिव बाबा ने अपनी सारी दिव्य शक्तियां देकर मुझे शिव शक्ति बना दिया है। साक्षात्कार मूर्त बना दिया है। मैं स्वयं को साक्षात देवी रूप में स्थित कर वरदानी मूर्त बन सभी आत्माओं को वरदान देने का अभ्यास करती हूं। सकाश देती हूं। प्यारे शिव बाबा का हृदय से धन्यवाद करती हूं। मैं आत्मा
अपने फरिश्ते चोले में स्वयं को बाप दादा के सम्मुख अव्यक्त वतन में महसूस करती हूं। प्यारे मीठे बाप दादा की प्यार भरी दृष्टि लेते अपने हाथों से उस प्यार के सागर के लिए भोग की गिट्टी तैयार कर बड़े प्यार और दुलार से उन्हें स्वीकार कराती हूं। हम बाबा को खिलाते हैं और प्यारे मीठे बाप दादा हम बच्चों को। प्यारे मीठे बाप दादा, बड़े प्यार और दुलार से भूख की भासना लेते हैं और अपनी प्यार भरी मधुर स्नेहमयी करुणामयी दृष्टि से मेरे अंतर मन को तृप्त कर रहे हैं। मेरे सुखी स्वस्थ जीवन के लिए बाबा की याद ही श्रेष्ठ अमृत है। मेरे जीवन को निर्विघ्न बनाने और हर कार्य में सफलता प्राप्त कराने में बाबा की याद ही मददगार है। बाबा को जल स्वीकार कराकर अपना फरिश्ता चोला यहीं छोड़ मैं अनादि दिव्य प्रकाश ज्योति बिंदु आत्मा उड़ चलती हूं अपने निज घर निराकारी दुनिया शांति धाम में।
इसी बिंदी रूप अवस्था में मैं आत्मा बीज रूप बाबा के बिल्कुल करीब आकर उनके स्पर्श से ही उनकी अनंत शक्तियों को स्वयं में समाविष्ट होता अनुभव करती हूं और ये ज्वालामुखी योग अग्नि से अपने पूर्व विकर्मों को स्वयं को हल्का अनुभव करती हूं। मेरे सारे पुराने हिसाब किताब ये ज्वालामुखी योग अग्नि में जलकर दग्ध हो रहे हैं। डीप साइलेंस ज्वालामुखी योग। स्वयं को बिल्कुल हल्का लाइट और रिलैक्स अनुभव करते अब मैं आत्मा इसी सशक्त स्थिति में परमधाम से नीचे आ जाती हूं सूक्ष्म वतन में। बाप दादा के हाथों में हाथ लिए सूक्ष्म वतन से नीचे लौट आती हूं साकारी दुनिया में साकारी रथ में। अपने हाथ में जल ले ले चार्जिंग करने के लिए। अनुभव करे बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख है और उनकी अनंत शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें इस जल में प्रवाहित हो रही है जिससे ये जल श्रेष्ठ सकारात्मक ऊर्जा के कंपनों से पूर्णतः चार्ज हो रहा है। एक एक एटम शक्तिशाली बनता जा रहा है। परिवार में सभी तन से स्वस्थ मन से खुशहाल हो रहे हैं। हर कार्य में कम मेहनत में ही
कई गुना अधिक सफलता प्राप्त होती जा रही है। परमात्म स्मृति में रहकर कार्य करने से विघ्न प्रूफ हो सहज ही सभी कार्य सहजता से हो रहे हैं। ये जल परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है। इसे घर के कॉमन वेसल में प्रवाहित कर दें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। शांति।